हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपेड हुज साइड आर गिवन बाय ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, ओ बी वैक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे हम, हमें पता होना चाहिए जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपेड क्या होता है। पैरेललो पाइप क्या होगा, ये होगी बॉक्स ए बी सी। ओके, अब बॉक्स ए बी सी क्या होता है, देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होगा, ये हमारे ए बी सी वेक्टर जनरल वेक्टर है। यहाँ पे बताता हूँ क्या है, लेट करते हैं हम। ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i कैप ए प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और बी वेक्टर क्या है हमारा, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब सी वेक्टर क्या है हमारा, यहाँ पे c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप, अब यह है वेक्टर है। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होगा, डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे जो ए वेक्टर है पहले वो आएगा a1 a2 a3, अब यहाँ पे आएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ऐसे करके बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ओ ए वैक्टर क्या दे रखा है हमें, 2i कैप माइनस 3j कैप, और ये क्या दे रखा है, ओ बी वैक्टर, ये क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और तीसरा वेक्टर क्या दे रखा है, ओ सी वेक्टर, ये है 3i कैप माइनस k कैप। तो यहाँ से जो हमारी वॉल्यूम होने वाली है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, ये हो जाएगी बॉक्स ऑफ ओ ए वैक्टर इंटू इंटू नहीं मतलब कि जो इसके आगे आएगा, ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर और ओ सी वैक्टर। तो ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने की कंसेप्ट के अंदर देख चुके हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ओ ए वैक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप, तो 2 माइनस 3 0। अब ओ बी वैक्टर क्या है हमारा, यहाँ पे आई प्लस जे माइनस के, तो यहाँ पे आएगा -1। अब यहाँ पे ओ सी वेक्टर क्या है, 3i माइनस k, तो यहाँ पे 3 0 -1। अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो यहाँ से 2 इंटू -1 प्लस 0, अब माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये इंटू -1 प्लस 3 प्लस 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, ये -2 -1 प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा +6। तो इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो हो जाएगा 4। तो हमारी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।